नमस्ते, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटर। राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है। सेल्फ वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस और कॉलेज रिपोर्टिंग कैसे करना है, इसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। जनरली हम जैसे लॉग इन करते हैं, सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड जो भी है वो यहाँ पे एंटर करना है और लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका जो भी स्टेटस रहेगा, आपको थर्ड राउंड में जो भी अलॉटमेंट आई है वो आपको सामने दिखाई देगी। फर्स्ट आपको अगर कुछ अलॉटमेंट आया होगा राउंड 1-2 में, तो आपने ऑलरेडी वो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट किया ही होगा। जस्ट लास्ट स्टेप एक इनकम्प्लीट दिखाया होगा यहाँ पे, गिव सीट एक्सेप्टेंस फ्रीज बेटरमेंट कैप राउंड के लिए 3 के लिए, यहाँ पे इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही फ्रीज का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि अब थर्ड राउंड हो चुका है। यहाँ पे आप फ्रीज भी करते हो तो भी आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड पे जाने का मौका मिलेगा और आपके सारे फीस वापस मिलेंगे जिस कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करने वाले हो। सो डोंट वरी, सबको यहाँ पे फ्रीज ही करना है और कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाना है। यहाँ पे मैं फ्रीज प्रोसेस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और आपको यहाँ से डायरेक्टली इसका प्रिंटआउट निकाल के कॉलेज को विजिट के लिए जाना है, रिपोर्टिंग के लिए जाना है, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, फीस आप जैसे भी पेमेंट करने वाले हो कॉलेज के साथ डिस्कशन करके, बाय यूपीआई, बाय नेट बैंकिंग, बाय चेक, वो आपको लेके जाना है। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 16 अगस्त, और आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है वो 5 बजे तक का है। ये फ्रीज करने का प्रोसेस जो है वो 16 अगस्त को 3 बजे तक ही हम कर सकते हैं। इसका प्रिंटआउट आपको निकालना है, और प्रिंटआउट में आपको नोडल ऑफिसर का यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इतना ही है प्रोसेस। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्टली कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग के लिए जाना है, लॉग आउट कर सकते हैं आप इसके बाद। ये थर्ड राउंड का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते हो तो भी आपको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड पे जाने का मौका मिलेगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप सभी को जो भी कॉलेज मिला है वहां पर रिपोर्टिंग करके, जो भी सीट मिला है वो एक्सेप्ट करके, एटलीस्ट एक सीट तो आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका इंजीनियरिंग का कॉलेज फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद आप कौन सा भी और अच्छा कॉलेज है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।